लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर लग गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अब साफ हो गया है कि चिराग पासवान का अपने पिता ही विरासत वाली हाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बिहार एनडीए की ओर से लोजपा आर को आवंटित सभी पांचों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए चाचा पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हर चुनौती को लेकर तैयार हूं और मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं है। साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अब इसके बाद पूरी तरीके से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हम लोग हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी, पांचों सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं हूँ।